हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक जो कंफ्यूजन है आपको, और अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं खासतौर पर, उनको ये कंफ्यूजन जरूर होती है, किस बारे में? टैली के बारे में। अब टैली प्राइम के अंदर ये क्या कंफ्यूजन है, आप चाहे टैली ERP 9 यूज कीजिए, चाहे यूज कीजिए टैली प्राइम, दोनों ही में आपको ये कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। समझिए, यहां पर ये टैली प्राइम ओपन किया है। जब भी टैली प्राइम में सन्ड्री डेटर जो ग्रुप होता है उसकी बात होती है, और एक और ग्रुप है जिसे कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो अगर कंफ्यूजन आपके साथ बनी हुई है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए, जब भी आप लेजर बनाते हैं तो ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू। यहां से क्रिएट पे जाते हैं और यहां पे लेजर मिल जाता है आपको, एंटर करके आप लेजर बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर डेटर पार्टी है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं सप्लायर वन, तो ये सप्लायर वन, अच्छा ये लेजर पहले से मौजूद है इस नाम से, तो मैं इसको कोई और नाम दे देता हूं, सप्लायर 5, 6, 7, 8 कुछ भी कर देंगे। तो यहां कर देते हैं सप्लायर 9। तो एक सप्लायर 9 नाम से लेजर बनाया है, जो कि जिसका कि ग्रुप क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, कौन सा ग्रुप, जो क्रेडिटर का ग्रुप होगा उसमें किस प्रकार के लेजर आएंगे? तो देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर का जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ होलसेलर पार्टी की बात होती है, यानी जो सामान बेचेगा, ठीक है, और जो सामान खरीदेगा उसे क्या कहेंगे, डेटर पार्टी, सन्ड्री डेटर। तो ये देखिए, ये यहां पर ग्रुप आप रख लीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर पार्टी की एंट्रीज जो है परचेज वाउचर में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी सेल्स या परचेज की बात आती है तो उसमें सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का जिक्र तब हम करते हैं जबकि हम परचेज किए हों और उस पार्टी को पेमेंट देना हो, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब समझ में आ गया। अब सन्ड्री डेटर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम है हितेश, तो ये सन्ड्री डेटर पार्टी। अब कैसे पता सन्ड्री डेटर है, क्योंकि ये सामान परचेज करेगा, सॉरी ये इनको सामान सेल किया जाएगा, ऐसा कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन ये सामान क्या करेगा, परचेज करेगा, हमसे परचेज करेगा, यानी हम इसको सामान सेल करेंगे, तो ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर पार्टी, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज बड़ी आसान है, इसकी एंट्रीज के बारे में मैंने पहले भी बताया है। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों हमने बनाया है, वी बटन प्रेस करके कहां जाएंगे, परचेज में, तो परचेज में आ जाते हैं। अब मान लीजिए परचेज में सप्लायर ने एक बिल दिया, तो आप अपने यहां उस बिल की एंट्री करेंगे ना, तो वो बिल का नंबर मान लीजिए 3434 है, और यहां पर आएंगे डेट डाल देंगे यहां पर। अगर डेट आपको चेंज करनी है तो शॉर्टकट की होती है F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिएगा, फिलहाल मुझे यही डेट रखनी है। और यहां पर जो हमारी सप्लायर पार्टी है उसका नाम है सप्लायर 9, तो देखिए उसका लेजर यहां पे आएगा। और भी लेजर्स बने हुए हैं लेकिन हमने अभी लेटेस्ट में सप्लायर 9 ही बनाया है, तो ये सप्लायर 9 लिख दिया हमने, और एंटर करके फिर एंटर करके आगे बढ़िए, फिर एंटर करके आइए। और यहां पर आता है परचेज अकाउंट का लेजर, बनाना बड़ा आसान है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट के ऑप्शन पे जाके आप एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे परचेज अकाउंट और ग्रुप क्या रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी मैं कर देता हूँ समझाने के लिए, ऊपर परचेज अकाउंट आप लिख दीजिएगा, मैंने पी ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं तो ये डुप्लीकेट एंट्री बार बार बताना शुरू कर देगा इस वजह से। ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। देखिए ये ग्रुप आपको चूज करना है परचेज के लिए, ठीक है, ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो यहां पर मैं बाहर आता हूं, इसके बटन ESC का एक बटन होता है उसको प्रेस करके बाहर आ जाता हूं और यहां परचेज अकाउंट कर लेता हूं। बाकी यहां पर एंट्री जो भी करनी है, कीबोर्ड परचेज करना है, क्या परचेज करना है वो देख लीजिएगा, 40 कीबोर्ड परचेज किए जा रहे हैं, रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बिल कितने का हो रहा है, 4,800 रुपए का, ठीक है, मैंने इसमें कोई GST यूज नहीं किया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप इसमें GST यूज करेंगे तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। अब इन्हीं को पेमेंट करना पड़ेगा भाई, जिनसे सामान खरीदा है उनको तो पेमेंट देंगे ना आप, तो उनको पेमेंट देने के लिए आपको पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा, यानी F5, और F5 में जाने के बाद अब उस पार्टी का नाम यानी सप्लायर 9 का नाम यहां आएगा। कितना रुपए बकाया है, 4,800, मैंने बताया था ना 4,800, तो वो 4,800 रुपए आप दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर करिएगा और यहां कैश में दे दीजिए आप, तो ये कैश हो जाएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, आप नरेशन भी डाल सकते हैं, बस यही तरीका है। और जब आप सेल करेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब जैसे मान लीजिए हितेश नाम के कस्टमर हैं, इन्हीं को सामान सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने ले लिया, एंटर किया, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का एक लेजर आ जाएगा, ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट, जैसे वहां परचेस था यहाँ सेल्स हो जाएगा, और फिर यहां पर जैसे ही आएंगे तो कीबोर्ड ही था, तो कीबोर्ड ले लिया हमने। अब कीबोर्ड की क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और एक की सेलिंग प्राइस है 350 रुपए, खरीदा था इससे कम का, लेकिन बेचेंगे तो ज्यादा का, तभी तो प्रॉफिट होगा, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए, बात खत्म, ये पूरा हो गया। लेकिन अब इसका पैसा रिसीव करना है हमको, लेकिन ये हितेश वाला लेजर बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके, और यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर 2 बार D प्रेस करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये हितेश वाला हमारा लेजर है, लेजर क्या है बल्कि एंट्री ही है,
तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के बिल कितने का है, 1750 रुपए का। तो 1750 रुपए अब इनसे रिसीव करना है, कौन देगा 1750? ये देंगे हितेश, ठीक है। रिसीविंग की एंट्री कैसे करेंगे? रिसीविंग की एंट्री करनी बड़ी आसान है, बी बटन प्रेस करिए, रिसिप्ट वाउचर में जाइए, हम रिसीव कर रहे हैं पैसा, F6 वाला आएगा और यहाँ पे हितेश का लेजर इंसर्ट कर दीजिए। तो ये इंसर्ट हो गया, 1750 यहाँ दिख रहा है, ये कैश में पैसा दे रहे हैं, आप ले लीजिए। ये हो गया, एंटर किया और यहाँ पर कैश कर दीजिएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ये कैश हो गया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया, अब इनका बैलेंस जीरो हो गया, ठीक है। बस यही तरीका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।